हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत वर्कबुक में आपठित गद्यांश पढ़ेंगे। आपठित गद्यांश का मतलब होता है अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज, आपठित गद्यांश वो गद्यांश होते हैं जो कि हमने पहले से पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन हम उन गद्यांश को पढ़ करके और उनके सभी प्रश्नों का उत्तर उस गद्यांश के अनुसार ही देते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आपठित गद्यांश की तरफ, और सबसे पहले हम उसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सारे ही प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश के आधार पर ही देते हैं। फर्स्ट नंबर में हमें देखिए एक आपठित गद्यांश दिख रहा है, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें है उद्याने अनेके वृक्षा सन्ति। उद्यान में अनेके मतलब बहुत सारे, वृक्षा मतलब वृक्ष, संति मतलब हैं। उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं। वृक्षे एका कोकिला अस्ति, और वृक्ष पर एक कोकिला, कोकिला कहलाती है कोयल, तो वृक्ष पर एक कोयल है। सा मधुरम गीतम गायति, वह मधुर गीत गाती है। गीतम श्रुत्वा सर्वे आनंदिता भवन्ति, गीत को सुनकर के सभी आनंदित होते हैं। उद्याने सर्वे भ्रमन्ति, उद्यान में सभी लोग घूमते हैं। केचन बालकः खेलन्ति, कुछ बालक खेलते हैं। सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। अत्र अनेकानि पुष्पाणि सन्ति, यहाँ अनेक प्रकार के पुष्प हैं। उद्यान जो पार्क होता है वहाँ बहुत सारे पुष्प रहते हैं। तेषु भ्रमणः गुंजन्ति, और जो पुष्प बहुत सारे हैं उन पर भ्रमरः मतलब होते हैं भौंरे, वो क्या करते हैं, गुंजन्ति मडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं। केषुचित् पुष्पेषु तितलिका अपि आगच्छन्ति, कई पुष्पों पर तो तितलियां आ जाती हैं। बालकः ता प्रति आकर्षिता भवन्ति, और बालक उन तितलियों को देख करके आकर्षित होते हैं अर्थात अट्रैक्ट होते हैं। ता गृहीतुं धावन्ति चा, और उन तितलियों को पकड़ने के लिए धावन्ति चा दौड़ते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये पैसेज पढ़ा हुआ है। अब हमें नीचे के सारे आंसर इसी पैसेज के अकॉर्डिंग ही देना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है उद्याने के संति, तो उद्यान में क्या है। तो हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था उद्याने वृक्षा सन्ति, उद्यान में क्या है, वृक्ष, वो भी बहुत सारे वृक्ष हैं, तो हम बहुवचन में लिख देंगे वृक्षा। ठीक, नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बालकः किम कुर्वन्ति, कि बालक क्या करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि बालकः खेलन्ति, कि बालक खेलते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे खेलन्ति। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि का गीतम गायति, कि गीत कौन गाता है, वहाँ उद्यान में कौन है जो गीत गाता है। तो हमने पढ़ा था कि कोयल है, वह बहुत मधुर गीत गाती है। तो देखिए मधुरम गीतम गायति, लेकिन कौन, कि सह, और सह कौन है, वो ये कोकिला, तो इसका मतलब है कि गीत गाने वाली कौन है, कोकिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोकिला। ठीक, ये जो कोकिला शब्द है वो इसका की जगह आ जाएगा, तो कोकिला गीतम गायति, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वे की दृशा संति, सर्वे की दृशा संति, सभी लोग कैसे दिखाई देते हैं वहाँ। तो हमने देखा था कि सभी लोग बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हैं, सर्वे प्रसन्न संति। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसन्न। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रसन्न। ठीक, सर्वे प्रसन्न सन्ति, ये प्रसन्न शब्द की दृशा की जगह हमें रिप्लेस करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनेके इति अस्य किम विशेष पदम अत्र प्रयुक्तम, जो अनेके शब्द आया था, अनेके मतलब होता है बहुत सारे, इसके लिए यहाँ पर एक विशेष पद का प्रयोग किया है। तो ये अनेके शब्द जो है किसका विशेषण है या इसका विशेष कौन है, ये देखने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले अनेके शब्द को ढूंढना है।
तो देखिए हमें यहाँ पर अनेके शब्द मिल गया है, ये लिखा हुआ है। तो अनेके ये विशेषण है और जिसके आगे होता है ये विशेषण है और ये पीछे वाला क्या होता है विशेष। तो इसका मतलब है वृक्षा शब्द का अनेके क्या है विशेषण है। तो अनेके विशेषण और वृक्षा विशेष। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है कि अनेके किस पद का विशेष है, ठीक, या इस अनेके का विशेष पद कौन सा है। तो उस अनेके का विशेष पद है वृक्षा। तो ये जो वृक्षा शब्द हमें दिख रहा है इसी में वो अनेके लगा हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा वृक्षा। नेक्स्ट है भ्रमंती इति अस्य किम कर्तृप्रदम अत्र प्रयुक्तम। कर्तृप्रदम मतलब कर्ता पद। यदि भ्रमंती क्रिया है तो इसका कर्ता बताइए क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये भ्रमंती शब्द यहाँ ढूंढेंगे कि पूरे सेंटेंस में हमें भ्रमंती शब्द कहाँ मिला है। तो ये देखिए ये लिखा है भ्रमंती, ठीक। अब भ्रमंती किसकी क्रिया है, इसका कर्ता कौन है। तो उद्याने सर्वे भ्रमंती, उद्यान में सभी लोग घूमते हैं। तो सर्वे शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन में होगा सर्वे, तो सर्वे पर हम राइट क्लिक कर देंगे, ठीक। इस प्रकार से ये इस फर्स्ट नंबर के पैसेज के प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर का पैसेज पढ़ते हैं हम, ठीक। सेकंड नंबर का पैसेज की तरफ चलते हैं। भारत देश अस्माकम प्रिय देश अस्ति। भारत देश अस्माकम अर्थात हमारा प्रिय देश है। अस्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ अस्ति, इसकी जो संस्कृति है वह सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सभी से अच्छी है। अत्र सर्वे जना मिलित्वा, यहाँ सभी लोग मिलकर के वसंती रहते हैं। अस उत्तर दिशायाम हिमालयः अस्ति, इसके उत्तर दिशा में हिमालय है। सः भारतस्य गौरवः अस्ति, और वह भारत का गौरव है। वह कौन, हिमालय भारत का गौरव है। अस्मात् अनेकः नद्यः निश्चरन्ति, यहाँ पर अनेक नदियाँ निश्चरन्ति निकलती हैं बहती हैं, क्योंकि हमने सुना होगा कि हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो जो हिमालय हमारे भारत का गौरव है उससे बहुत सारी नदियाँ निश्चरन्ती निकलती हैं। एता नद्या अस्माकम क्षेत्राणी सिंचति, ये नदियाँ ही अस्माकम क्षेत्राणी सिंचति, हमारे क्षेत्र अर्थात खेतों का, सिंचति मतलब सिंचन करती हैं। कृषकः क्षेत्रेषु सस्यानि उत्पादयन्ति, कृषकः किसान खेतों में शस्यानि उत्पादयन्ति, जो खाने की फसल आदि हैं उनका उत्पादन करते हैं, फसल का उत्पादन। एवमेव वयम सर्वे खादितुम, इस प्रकार से हम सभी खादितुम खाकर के अन्नानि अन्न को, शाकानि सब्जियों को, फलानि चा और फलों को, प्राप्नुमः वहीं से प्राप्त करते हैं। अत्र वयम मिलित्वा, यहाँ हम सभी मिलकर के, एव वशामा रह रहे हैं। अनेकतायाम एकता अस्माकं देशस्य विशेषता अस्ति, अनेकता में एकता ये ही हमारे देश की क्या है विशेषता है। इस प्रकार से हमने अपने भारत देश के बारे में इस पैसेज में पढ़ा है। अब देखिए प्रश्नोत्तर, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इसी से ही निकालते हैं कि कस्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ अस्ति, किसकी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि अस्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ, अस्य मतलब भारत देश। तो यदि भारत देश की है तो यहाँ कस की जगह हमें शब्द रिप्लेस करना है, क्या करना है, भारत देशस, ठीक। षष्ठी विभक्ति में है कश, इसीलिए आ जाएगा भारत देशस। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा है अत्र जनाः कथम वसन्ति, कि यहाँ जना अर्थात लोग कैसे रहते हैं। तो इसमें आंसर आया था कि यहाँ पर सारे लोग मिलकर के रहते हैं, ठीक। देखिए कहाँ पर है कि अत्र सर्वे जनाः मिलित्वा वसन्ति, ठीक। ये देखिए जनाः मिलित्वा वसन्ति, तो कथम की जगह हमें यहाँ क्या लिख देना है, मिलित्वा। मिलित्वा मतलब होता है मिलकर के, वसन्ति अर्थात रहते हैं, ठीक। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर में वो पूछ रहा है कि हिमालयः कुत्र अस्ति, हिमालय कहाँ है। तो हमें तो पता है कि हिमालय उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन इस पैसेज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पैसेज में आया हुआ था कि उत्तर दिशायाम हिमालयः अस्ति, इसका मतलब हिमालय उत्तर दिशा की ओर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा
उत्तर दिशायाम, उत्तर दिशायाम, ठीक। चलिए नेक्स्ट वो पूछ रहा है, कस्मात अनेकाह नद्यां निस्सरन्ति, कहाँ से अनेक नदियाँ निकलती हैं। कस्मात अनेके नद्यां निस्सरन्ति, के अनेक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो ये लाइन आई थी कि वह हिमालय ही भारत का गौरव है, और अस्मात यहाँ से ही अनेके नदियाँ, और यहाँ से ही अनेक नदियाँ निकलती हैं, तो इसका मतलब है हमारे भारत देश से ही अनेक नदियाँ निकलती हैं। तो कस्मात की जगह हमें क्या लिख देना है, भारत देशे, भारत देशात, ठीक, भारत देशात। पंचमी भक्ति में कस्मात इसने पूछा है, इसलिए भारत देशात, ठीक। और भारत देश में ही हिमालय है, तो हम हिमालयात भी लिख सकते हैं कि हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालयात भी सही है और भारत देशात भी सही है, ठीक। यदि आप भारत देशात ना लिखना चाहते हो तो आप भारत देश की जगह हिमालयात शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। तो नदियाँ क्योंकि हिमालय से भी निकलती हैं, तो आप इसकी जगह हिमालयात, ठीक, शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, नद्यः अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, नद्यः जो नदी है इसके लिए कौन सा विशेषण शब्द प्रयुक्त किया है। इसका मतलब नद्यः विशेष है, अब विशेष का विशेषण यदि हमें ढूंढना है तो फिर से पैसेज में जाना होगा और वहाँ देखना होगा कि कहाँ पर हमें नदी शब्द के विशेषण लिखा है। तो देखिए, अनेकः नद्यः, नद्यः का विशेषण क्या बनाया है, अनेकः, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेकः नद्यः, ठीक। नेक्स्ट है, अत्र सर्वे जना मिलित्वा वसन्ति, यहाँ सभी लोग मिलकर के रहते हैं, अस्मिन् वाक्ये किम अव्यय पदम प्रयुक्तम, इसमें अव्यय पद कौन सा है। तो ये तो सीधा सीधा सा है, यहाँ पर अत्र मतलब होता है यहाँ, ये अत्र शब्द क्या है, अव्यय पद है। अव्यय का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो कभी बदलता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। बाकी के यहाँ सर्वे जना और वसन्ति ये लिंग के, पुरुष के और वचन के आधार पर बदलते रहते हैं, लेकिन अत्र मतलब यहाँ, ये जो है ये अविकारी शब्द है, जिसे हम संस्कृत में अव्यय और हिंदी में अविकारी कहते हैं, ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। चलिए थर्ड नंबर पैसेज की तरफ चलते हैं, लिखा है सूर्यः उदयति, सूर्य उदय होता है, उद्याने अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में अनेक बहुत सारे पुष्प विकसित होते हैं, जनः इतस्ततः भ्रमन्ति, लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, इतस्ततः का मतलब होता है हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, केचन जनः व्यायाम कुर्वन्ति, कई लोग व्यायाम करते हैं, सर्वत्र शीतलः वायु बहति, सब जगह शीतल वायु बहती है, शीतल मतलब ठंडी वायु बहती है, जनानां मनांसि प्रसन्नानि सन्ति, लोगों के मन प्रसन्न होते हैं, प्रातः भ्रमणेन जनः सुस्वास्थ्यम अपि प्राप्नुवन्ति, प्रातः भ्रमणेन सुबह से घूमने से जनः सुस्वास्थ्यम, लोग अच्छे स्वास्थ्य को अपि प्राप्नुवन्ति भी प्राप्त करते हैं, तीव्रम तीव्रम धावित्वा जो जल्दी जल्दी भागने से दौड़ने से रक्तस्य संचारः अपि सुष्ठु भवति, हमारे रक्त का जो संचार है वो भी बहुत अच्छा होता है, अनेन मानवः दीर्घायु भवति, और इससे हम मानव दीर्घायु होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर व्यायाम करने और प्रातःकाल का एक बहुत ही महत्व बताया गया है। अब देखिए प्रश्न में पूछता है कि कः उदयति, क्या उदित होता है, तो देखिए हमने देखा था सूर्यः उदयति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्यः उदयति। सेकंड नंबर में पूछा है कि जनः किम कुर्वन्ति, कि लोग क्या करते हैं, तो जनः किम कुर्वन्ति, तो जनः, अब लोग क्योंकि यहाँ व्यायाम, कई लोग व्यायाम भी करते हैं, कई लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, ठीक, तो किम कुर्वन्ति, तो हम लिख सकते हैं जनः, इसका आंसर हम कई उसमें भी दे सकते हैं, चलिए हम दे देते हैं जनः भ्रमन्ति, लोग घूमते हैं, ठीक। और यदि ज़्यादा लंबा देना हो तो जनः व्यायाम कुर्वन्ति, ये भी हो सकता है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है पुष्पाणि कुत्र विकसन्ति, पुष्प कहाँ विकसित होते हैं, तो वहाँ आया था उद्याने, पुष्प कहाँ विकसित होते हैं, ये सारे के सारे पुष्प उद्यान में ही विकसित
होते हैं, ठीक। ये लिखा है उद्याने अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनाः कुत्र भ्रमन्ति, कि लोग कहाँ घूमते हैं, ठीक। तो अब लोग घूमते तो यहाँ वहाँ हैं, आंसर यहाँ क्या आया था, इतस्तता, ठीक। लेकिन सूर्य के उदय होने से उद्यान में अनेक बहुत सारे पुष्प आ जाते हैं और लोग फिर यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, तो जनाः कुत्र भ्रमन्ति, तो पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा इतस्ततः, यहाँ वहाँ घूमते हैं, ठीक। नेक्स्ट पूछ रहा है वायुः अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, वायु के साथ यहाँ कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है। तो वायु का विशेषण बताने के लिए हमें वापस इसमें पैसेज में जाना पड़ेगा, तो पैसेज में हम देख सकते हैं कि वायु शब्द के साथ शीतलहा वायु, शीतलहा शब्द का प्रयोग किया था, इसका मतलब है कि वायु का यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा हमारा, शीतला। वायु कैसी होती है, शीतलहा वायु, शीतल होती है, लेकिन ध्यान रखना है हमें ये शीतला बड़ा का नहीं करके शीतलहा, क्योंकि वायु में विसर्ग है, इसलिए इस विसर्ग को देखते हुए शीतलहा में भी विसर्ग होना चाहिए, ठीक। तो विशेषण और विशेष एक सी विभक्ति वचन में होते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है उदयति अस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम, उदयति में कौन सा कर्ता पद यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। तो सबसे पहले हमें उदयति वाला सेंटेंस उसमें ढूंढना चाहिए, तो वहाँ पर आया था सूर्य उदयति, तो सीधा सीधा सूर्य ही कर्ता हो जाएगा, पहला ही शब्द था सूर्य उदयति, तो सूर्य इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर पैसेज की तरफ। फोर्थ नंबर के पैसेज में है कि इदम एकम उद्यानम अस्ति, यहाँ एक उद्यान है, उद्यानम विशालम सुंदरम चास्ति, को उद्यान विशालम विशाल है और सुंदरम अस्ति सुंदर है, सर्वत्र वृक्षा सन्ति, सभी जगह वृक्ष हैं, वृक्षेषु कोकिलः कूजन्ति, वृक्ष के ऊपर कोयलें गाती हैं कूंजती हैं, वृक्षेषु फलानि अपि उद्भवन्ति, वृक्षों पर फल हैं, अहम सायं मित्रे सह, कि मैं शाम को मित्रों के साथ अत्र आगच्छामि, यहाँ आ जाता हूँ, वयम् तीव्रम धावामः, हम तेज दौड़ते हैं, कंदुकेन च क्रीडामः, और गेंद से खेलते हैं, अनेकः महिला भ्रमणाय अत्र आगच्छन्ति, बहुत सारी महिलाएं यहाँ घूमने के लिए आ जाती हैं, ता वृक्षेभ्यः पतितानि आम्राणि खादन्ति, ता मतलब बे मतलब बे महिलाएं, वृक्षेभ्यः पतितानि आम्राणि वृक्षों से गिरे हुए आम्राणि आमों को खादन्ति खाती हैं, एकतः वृद्धानां समूहः सत्संगम करोति, इस प्रकार से वहाँ पर वृद्धानां समूहः सत्संगम करोति, बहुत सारे वृद्धों का एक समूह आपस में संग बना करके बैठ जाता है, तेषु मम पितामह पितामही चापि तिष्ठता, वहाँ हमारे पितामह पितामही अर्थात दादा और दादी भी बैठते हैं, पुष्पाणाम सुगंधेन वातावरणम आनंदमयम भवति, पुष्प की सुगंध से सारा का सारा वातावरण जो है वो आनंदमय हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारे पैसेज का अर्थ हुआ है। देखते हैं प्रश्न उत्तर, फलानी कुत्र उद्भवन्ति, ये फल कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो हमने देखा था कि फलानी वृक्षेषु उद्भवन्ति, कहाँ होते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फलानी वृक्षेषु उद्भवन्ति, सारे के सारे फल वृक्ष पर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वृक्षेषु, ध्यान रखना लिखते समय वृक्ष की स्पेलिंग सही होनी चाहिए वृक्षेषु। सेकंड है महिला किमर्थम उद्यानम आगच्छन्ति, महिलाएं उद्यान में किस लिए आ जाती हैं, तो सेंटेंस आया था कि महिला भ्रमणाय अत्र आगच्छन्ति, तो घूमने के लिए आती हैं, तो यहाँ आना है भ्रमणाय, भ्रमणाय मतलब होता है घूमने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर है उद्यानम की दृश्यम अस्ति, उद्यान किस प्रकार का है, तो उद्यान बहुत विशाल भी है और सुंदर भी है, तो इसके लिए आया था विशालम और सुंदरम, ठीक, उद्यान विशाल है और सुंदर है। नेक्स्ट है वृद्धानाम समूहे कौतिष्ठता, तो वृद्धों का समूह जो है वो समूहे कौतिष्ठता,
ठीक यहाँ देखिए मैं आपको लाइन बता देता हूँ, ये लिखी है, एकता वृद्धानाम समूह सत्संगम करोति। तो वृद्धों का जो समूह है वह कैसे बैठता है, तो ये इसमें आपको लिख देना है, वृद्धानाम समूह सत्संगम। ठीक, ये सत्संगम जो शब्द लिखा हुआ है, सत्संगम तिष्ठता, ठीक, एक दूसरे की संगति करके बैठ जाता है। नेक्स्ट है, दुर्गंधेन इति पदस्य विलोम पदम लिखम। तो सीधा सा है, दुर्गंध मतलब बदबू, तो सुगंध मतलब खुशबू होती है। वृक्षेषु कोकिला कूजंती, अत्र क्रिया पदम किम। क्रिया तो हमेशा एंड में ही आती है, कूजंती, तो कूजंती जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का देखते हैं पैसेज। लिखा है, एषः मम परिवारः अस्ति, यह मेरा परिवार है। अस्मिन् परिवारे सप्त सदस्या सन्ति, कितने सदस्य हैं, सात सदस्य हैं। सर्वे स्नेहेन वसन्ति, सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। मम पितामह, मेरे जो दादाजी हैं, वह प्रतिदिनम समाचार पत्रम पठन्ति, वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। पितामही च प्रतिदिनम देवालयम गच्छति, और मेरी दादी जी प्रतिदिन देवालय जाती हैं, देवालय मतलब मंदिर। मम जनकः एकस्मिन् कार्यालये लिपिक पदे कार्यरतः अस्ति, मेरे जो जनकः अर्थात पिता हैं वो एक कार्यालय में लिपिक, लिपिक का मतलब होता है अकाउंटेंट, के पद पर हैं। मम माता एका गृहिणी अस्ति, मेरी माता एक गृहिणी, गृहिणी का मतलब होता है हाउसवाइफ है। सह अस्मभ्यम सुस्वादु भोजनम पचति, वह हम सभी के लिए बहुत अच्छे स्वाद वाला भोजन पकाती हैं। सह प्रातः काले सर्वेभ्यः उष्णम चाय पेयम, वह सुबह सुबह से सभी को उष्णम चाय पेयम अर्थात गरम गरम चाय, प्रातः रासम चा अपि ददाति, सुबह सुबह दे देती हैं और उसके बाद नाश्ता भी देती हैं। सा गृहस्य सर्वाणि कार्याणि समयेन करोति, वह गृह के घर के सभी काम समय पर करती हैं। यदा कदा सा माम अपि पाठयति, और कभी कभी मुझे पढ़ाती भी हैं। मम अग्रजः अष्टम्यां कक्षायां पठति, कि मेरा जो अग्रज है, अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा और अग्रज मतलब बड़ा, तो मुझसे जो बड़ा भाई है वह आठवीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक, अब प्रश्न पूछते हैं कि परिवारे कति सदस्या सन्ति, तो सीधा सीधा आया था कि सप्त सदस्या सन्ति, सात लोग रहते हैं। पितामही प्रतिदिनम कुत्र गच्छति, कि कहाँ जाती हैं, तो देवालयम, देवालय का मतलब होता है मंदिर जाती हैं, तो देवालयम गच्छति। ठीक, नेक्स्ट पूछा है कि माता कीदृशं भोजनम पचति, माता किस प्रकार का भोजन पकाती हैं, तो सुस्वादु भोजनम, कैसा भोजन पकाती हैं, सुस्वादु, सुस्वादु मतलब स्वाद में, खाने में बहुत अच्छा। परिवारे सर्वे कथम बसंती, परिवार में सभी लोग कैसे रहते हैं, तो उसमें आया था कि परिवार में सभी लोग स्नेह पूर्वक रहते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्नेहेन, परिवार में सभी लोग स्नेह के साथ रहते हैं। ठीक, हम इसको देखो इसमें खोज भी सकते हैं कि यहाँ पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है स्नेहेन, तो उसकी लाइन को ढूंढने के लिए देखिए हमें पैसेज में देखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर तो आया था सुस्वादु भोजनम पचति, ठीक, स्नेहेन पूर्वक वशति, ये वाली लाइन हमें इसमें ढूंढना है, तो एक बार पुनः हमें यहाँ से पूरे पैसेज को देखना पड़ेगा, और देखते देखते हमें कहीं ना कहीं इसके सारा आंसर मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या हमें इसका आंसर लिखना है कि स्नेहेन, ठीक, परिवारे सर्वे कथम बसंती, स्नेह के साथ रहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्नेहेन। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर है, सर्वाणी कार्याणि अनियो, अनियो मतलब इन दोनों पदों का विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद क्या है, तो सर्वाणी कार्याणि में यदि विशेषण पद ढूंढा जाए तो सर्वाणी आगे का विशेषण होता है, पीछे का विशेष, तो कार्याणि विशेष से और सर्वाणी विशेषण। सर्वे स्नेहेन वसंती, सभी लोग स्नेह से रहते हैं। अत्र क्रिया पदम किम, के क्रिया क्या है, तो क्रिया तो हमेशा लास्ट की होती है, तो जहाँ बसंती है वो क्रिया है। इस प्रकार से हमने पाँच पैसेजों को यहाँ देखा है, आगे के पांच अनसीन पैसेज अर्थात आपठित गद्यांशों की चर्चा हम आगे करेंगे।